नमस्कार दोस्तों, गुरु कृपा कंप्यूटर क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और आज हम सीखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक क्या है और यह किस प्रकार अपना कार्य करता है। तो फर्स्टली चलते हैं स्टार्ट पे, आप क्लिक कीजिए और जहां भी आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है वहां पर जाकर उस पर क्लिक करने के बाद माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक में क्लिक कीजिए। तो मैं यहां पर माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक 2010 यानी कि 2010 वर्जन यूज कर रहा हूं। तो इस पर क्लिक करते ही माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक का जो सेटअप है स्टार्टअप आ गया है। तो सबसे पहले जानते हैं माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक है क्या। फ्रेंड्स, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक एक ईमेल क्लाइंट है जो कि आपकी जो ईमेल्स आईडीज हैं, चाहे वो किसी भी सर्वर की हैं, याहू की हैं या फिर जीमेल की हैं या आउटलुक की हैं, वो आप इससे डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं। आपको बार बार अपना वेब ब्राउजर ओपन करके और ईमेल अकाउंट खोल के चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब आप इससे कनेक्ट हो जाते हैं तो ऑटोमेटिकली आउटलुक में आपके जितने भी मेल हैं आ सकते हैं, और यहां से आप जैसे आप जीमेल में सेंड करते हैं वैसे ही यहां से आप इसको सेंड भी कर सकते हैं। तो यहां पर ये स्टार्टअप आ गया, तो मैं यहां पे नेक्स्ट करता हूं और देखते हैं कि किस प्रकार से हम अपना ईमेल अकाउंट लिंक करेंगे ईमेल क्लाइंट से। तो यहां पर ये जो यू कैन कॉन्फ़िगर आउटलुक टू कनेक्ट टू इंटरनेट ईमेल, ये बोला कि आप अपना ईमेल जो आईडी है उसको यहां पर कनेक्ट कर सकते हैं अपने ईमेल क्लाइंट से। तो यस, यहां पर ऑलरेडी है, मैं यहां पे नेक्स्ट करता हूं। आफ्टर दैट मुझे हमें यहां पे मैन्युअली करना है, ये ईमेल अकाउंट हमें सेक्शन नहीं लेना है, मैन्युअली आप लीजिए और नेक्स्ट कीजिए। उसके बाद इंटरनेट ईमेल्स तो रहेगा ही, और उसके बाद नेक्स्ट कीजिए। यहां पर सिंपली आप अपना नाम डालिए योर नेम में, और यहां पर ईमेल एड्रेस जिस ईमेल को आपको कनेक्ट करना है उस ईमेल को। तो मुझे यहां पर जीमेल का जो मेरा ईमेल है, जीमेल आईडी में मेल आईडी है, उसको कनेक्ट यहां पे करना है। तो मैंने अपना मेल आईडी यहां पर डाल दिया है, और पॉप 3 की जगह आपको यहां पर सेलेक्ट करना है IMAP। इसके करने के बाद इनकमिंग मेल सर्वर में आपको यहां पर डालना है imap.gmail.com। आफ्टर दैट आ रहा है आउटगोइंग मेल सर्वर। आउटगोइंग मेल सर्वर में आपको smtp.gmail.com यहां पर डालना है। उसके बाद यहां पर ये इसने ऑटोमेटिकली यूजर नेम आपका ले लिया है, तो इसमें हम सिर्फ थोड़ा सा ऐड करेंगे gmail.com। आपका जो मेल आईडी है यहां पर पूरा कर दीजिए। उसके बाद आपका जो भी यहां पर पासवर्ड था, जो मेल आईडी में पासवर्ड है, उसको यहां पर डाल दीजिए। आफ्टर दैट यहां पर मोर सेटिंग में हमें क्लिक करना है। मोर सेटिंग में क्लिक करने के बाद आप आउटगोइंग सर्वर पर क्लिक कीजिए। यहां पर लिखा है माई आउटगोइंग सर्वर SMTP रिक्वेस्ट ऑथराइजेशन। तो यहां पर आप क्लिक करेंगे कि मुझे सेम जो मैंने यहां पर इनकमिंग के लिए डाला है मुझे वही यूज करना है, और उसके बाद में आप यहां पर एडवांस में क्लिक करेंगे। एडवांस में क्लिक करने के बाद यहां पर दो ऑप्शन आ रहे हैं जिनमें दोनों में नन लिखा हुआ है, तो यहां पर SSL सेलेक्ट करना है आपको दोनों ऑप्शन में। तो जैसे ही हमने SSL सेलेक्ट किया तो ये यहां पर डिफॉल्ट नंबर आ चुके हैं, और यहां हमें चेंज करना है। यहां पर आप डाल दीजिए 465 और ओके। आफ्टर दैट यहां पर मैं टेस्ट अकाउंट सेटिंग लेता हूं। तो टेस्ट अकाउंट सेटिंग में ये देखिए, ये कंप्लीट हो गया लॉग इन इनक्लूड मेल सर्वर में, उसने IMAP एड्रेस से कनेक्ट कर लिया है, कंप्लीटेड लिख आ गया। अभी नेक्स्ट प्रोसेस इन प्रोग्रेस है, तो ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। आफ्टर दैट यहां पर आप नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद वही से प्रोसेस आएगा क्योंकि वो हमने टेस्ट किया था वहां पर। तो जैसे ही ये दोनों कंप्लीट होंगे उसके बाद में आपका फिनिश का ऑप्शन यहां पर आ जाएगा। तो इसको क्लोज करने के बाद ये देखिए, यू हैव सक्सेसफुली एंटर्ड ऑल द इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड टू सेट अप योर अकाउंट, कॉन्ग्रेचुलेशंस यहां पर लिख के आ गया है कि आपका अकाउंट जो है वो आउटलुक से कनेक्ट हो गया है। तो जैसे ही मैंने यहां पर इसको फिनिश किया उसके बाद में इसने अभी जो मेल अकाउंट है वो हमारा इनबॉक्स में आना शुरू हो जाएगा, धीरे धीरे यहां पर प्रोग्रेस में आना शुरू हो जाएगा। तो जितनी भी मेरी मेल्स वहां पर इनबॉक्स में थी, आउटबॉक्स में थी, वो सारी मेल आईडी यहां पर ऑटोमेटिकली मेल्स और मेरी आईडी, सारे कॉन्टेक्ट, मेरा जितना भी डाटा वहां पर था वो यहां पर सारा आ जाएगा। तो ये है फ्रेंड्स माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक का फोल्ड टर्टल। इसको मुझे 2 या 3 वीडियो में बनाने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि जो ऑफिस वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, उनके लिए तो बहुत सारा डाटा है उनके लिए,
तो अलग अलग वीडियोस अलग अलग मैटर पे बनती हैं, मगर आउटलुक का यूज सिर्फ इतना है आप अपने मेल जो भी मेल आईडीज है अपना वो कनेक्ट कर सकते हैं इस ईमेल क्लाइंट के जरिए। तो अभी मेरा ये जो यहाँ पर आप देख सकते हैं डाउनलोडिंग फोल्डर ऑर्डर यहाँ पर चालू हो गया है, ये ऑन हो गया है। तो फ्रेंड्स मेरा जो मेल आईडी है इसमें बहुत सारे मेल्स हैं, बहुत सारा डाटा है, इसलिए इसमें सेंड और रिसीविंग में थोड़ा टाइम लगेगा एंड ये आपका इस प्रकार से कनेक्ट होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और भी अच्छी से अच्छी वीडियो आपके लिए मैं लेके आने वाला हूँ यहाँ पर टर्टल्स। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हमारा लगभग कंप्लीट होने पे आया है, ऑफिस में हमारा पावर पॉइंट, एक्सेल और वर्ड, आज आउटलुक, आउटलुक का एक ही टर्टल मेरे चैनल पे ही रहेगा क्योंकि ये फुल है। अगर किसी को यहाँ पर कनेक्ट करने में, इस प्रकार से कनेक्ट करने में कोई प्रॉब्लम या कोई एरर आता है तो प्लीज मुझे कमेंट में मैसेज कीजिए या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, मेरा ईमेल पे मेल कीजिए, तो आपको उसके सॉल्यूशन के रिगार्डिंग में आपका एक वीडियो अलग से अपलोड कर दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।